स्टूडेंट्स, आज हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे। ये लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला मेथड है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास लीनियर टाइप के जो इक्वेशंस दे रखे होते हैं, लाइक वाइज एक्स और कोई सा भी ऑपरेशन वाई प्लस जेड, इस तरह से करके यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज दे रखे हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को नॉर्मली लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम, जैसे कि नाम बता रहा है एलिमिनेशन, हम कुछ ना कुछ वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं। वो एलिमिनेशन करने का क्या प्रोसेस है, आइए हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्मेट बना लिया है। यहां पर हमने कुछ कुछ इक्वेशंस को ऊपर लिया है, कुछ इक्वेशन को नीचे लिया है। हमारे पास बेसिक फंडा कुछ नहीं है, हमारे पास बेसिक फंडा ये है कि हम कोशिश करते हैं जिसके साथ कॉफिशियंट्स वन हो। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू सिंगल है, इसका मतलब इसका कॉफिशियंट वन है, इसका कॉफिशियंट टू है, इसका कॉफिशियंट थ्री है, बाकी सभी के आप कॉफिशियंट देख सकते हैं तो वो वन है। तो ऐसी इक्वेशंस को नॉर्मली हम ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ हमारे पास कॉफिशियंट में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उनको हम कोशिश करते हैं नीचे की तरफ रखें और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री में सारी की सारी वैल्यूज के कॉफिशियंट वन थे। तो यहाँ पर आप कोई से भी ऊपर रख सकते हैं, कोई से भी नीचे रख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। बट हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने सारे के सारे प्लस वैल्यूज वालों को ऊपर रख लिए हैं, बाकी हमने नीचे रख लिए हैं। और बेसिकली इसको बोला गया है आर वन फॉर रो वन, आर टू फॉर रो टू एंड आर थ्री फॉर रो थ्री। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कॉफिशियंट्स की मैट्रिक्स बनाया है और इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं, मीन्स एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हैं, वो हमने इसके मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं और इनकी जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन वाइज उसी के सामने लिखी है। जैसे कि वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू सिक्स, तो ये पहली इक्वेशन यहाँ पर रो फॉर्मेट में लिख दी गई है। दूसरे के लिए आ जाते हैं वन माइनस वन प्लस वन, मीन्स वन माइनस वन वन, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है। एंड टू माइनस वन थ्री, टू माइनस वन थ्री इक्वल टू नाइन, हमारे पास इस तरह से लिख दी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पहली इक्वेशन को एक रो वन रो टू एंड रो थ्री इस तरह से कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिक फंडा ये है कि हमें इन तीन पोजीशंस को बेसिकली जीरो बनाना है। ठीक है, जीरो बनाने के पीछे मतलब क्या है कि ना ये, क्योंकि पहली वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक्स को, आप देख सकते हैं यहाँ से, दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है या दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है वाई को, तीसरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है जेड को। हम जब यहाँ से इन पर्टिकुलर पोजिशन को जीरो बना देंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी ये कॉफिशियंट रहेगा सिर्फ जेड के साथ। ठीक है ना, ये जो दो वैल्यूज रहेंगी ये कॉफिशियंट रहेंगे वाई एंड जेड के साथ, और तीसरी वैल्यू रहेगी हमारे पास एक्स वाई जेड के साथ। तो हमारे पास बेसिक फंडा क्या होगा कि इस लोअर इक्वेशन से हम बेसिकली डायरेक्ट जेड की वैल्यू को पा जाएंगे, उस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास सिंपल वाई की वैल्यू आ जाएगी, और जब हमारे पास वाई और जेड की वैल्यू निकल करके आ जाएंगी तो हम सीधे से उसको इक्वेशन नंबर या रो वन में रख करके हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। इसको आगे करने के लिए हमें इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बदलना होगा, मीन्स क्योंकि जब इनमें चेंजेस होते हैं तो इसके साथ जो वैल्यूज हैं उनमें भी चेंज होंगे। एक्स वाई जेड में वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होते, तो हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना रहेगा और हम इस मैट्रिक्स को एक दूसरी फॉर्म में लिखेंगे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट को इस तरह से लिख लिया है। हमने क्या किया है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाले हैं, एक्स वाई जेड तो क्योंकि वेरिएबल है तो ऐसे कैसे रहने वाले हैं, तो मैंने ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज को इन मैट्रिक्स के साथ रख लिया, ताकि जब इस रो पे काम हो तो इस पूरी रो की वैल्यूज बदलें, जब इस वाली रो पे काम हो तो इस पूरी रो की वैल्यूज बदलें। तो जब, जाहिर सी बात है, जब हम कोफिशियंट्स को बदलते हैं तो इसके बाहर वाली वैल्यूज पर भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो हमने इन सब वैल्यूज को एक साथ लिख लिया है और एक्स वाई जेड हमारे पास बाहर है। तो अब आइए देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। स्टेप वन, सबसे पहले हमारे पास ये फंडा है कि हम इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम फिर इसको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन तीनों पोजीशंस को जीरो बनाना है। जीरो बनाना है और किस तरह से बनाना है, ऐसा नहीं कि आप उठा करके यहाँ पर जीरो लिख देंगे। जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ आर वन ओनली, मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, तो आर टू के इस एक्स के कोफिशियंट को हमें जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ आर वन, आर थ्री के इस कोफिशियंट को हमें जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ आर वन ओनली। यानी स्टेप वन में हम ये काम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आर वन। ठीक है, अब हम देखेंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक आर टू के साथ एक ऑपरेशन लगा दूं कि आर टू की वैल्यू आर टू माइनस आर वन हो जाए, मीन्स अगर मैं आर टू में से, आर टू की सभी वैल्यूज में से आर वन की ये वैल्यूज को माइनस कर दूं,
तो हमारे पास आर टू में यहाँ पर जीरो मिल जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन, ध्यान रहे एक्स की वैल्यूज के साथ एक्स की वैल्यू ही ऑपरेशन में आएंगी, वाई की वैल्यू के साथ वाई की वैल्यू ऑपरेशन में आएंगी, और जेड की वैल्यू के साथ जेड की वैल्यू में ऑपरेशन में आएंगी, और जो इक्वल्स टू में जो आपकी वैल्यूज थी वो आपस में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। तो अब आइए देख लेते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। वन माइनस वन, तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स का ब्लैंक फॉर्मेट अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि हम हमारे पर वैल्यू चेंज होने वाली है, ठीक है। आर वन में कोई भी चेंज नहीं होना है, तो आर वन बेसिकली हमारे पास ऐसे ही रहने वाला है जैसा कि हमको दिया गया था, ना ही यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू में कोई भी चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन। अब आर टू में हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखने वाले हैं वो इस ऑपरेशन के बाद लिखने वाले हैं, ठीक है। आर टू इक्वल्स टू आर टू माइनस वन, यानी आर टू की इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस होगी, तो वन माइनस वन विल बी जीरो, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन में से हमने इस वैल्यू को माइनस कर दिया है, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज माइनस टू, वन माइनस वन जीरो, टू माइनस सिक्स दैट इज माइनस फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास बेसिकली पहला ऑपरेशन करने के बाद ये वैल्यू आ गई है। दूसरा, अब हम क्या लगा सकते हैं, आर थ्री को कैलकुलेट करना है, आर थ्री की हमें इस वाली वैल्यू को जीरो बनाना है, तो हम क्या करके चलेंगे, यहाँ पर हम ये करके चलेंगे कि आर थ्री में से अगर हम इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यहाँ टू हो जाएगा, ठीक है, और फिर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जीरो बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर थ्री विल बी इक्वल्स टू आर थ्री माइनस टू आर वन, मीन्स आर वन की वैल्यूज को टू को मल्टीप्लाई करने के बाद आर थ्री में से माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं टू माइनस टू दैट इज जीरो, माइनस वन माइनस टू, ठीक है, दैट इज क्योंकि टू हो गया, माइनस थ्री, थ्री माइनस टू विच इज इक्वल टू वन, नाइन माइनस ट्वेल्व, क्योंकि छह की हमने मल्टीप्लीकेशन कर दी दो के साथ, तो ये हमारे पास ट्वेल्व हो गया है, तो नाइन माइनस ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास दो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये तो दो जीरो आ गए हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इस तरह की आई है, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्टेप सेकंड में हम क्या करने वाले हैं। स्टेप सेकंड में अब हमारे पास केवल एक ऑब्जेक्टिव बचा है कि अब हमें सिर्फ इसको जीरो बनाना रह गया, बाकी फिर हमारा आंसर निकल आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो आइए देख लेते हैं अब इसको किस तरह से करेंगे। हमने एक ब्लैंक स्ट्रक्चर खींच लिया है बिल्कुल इसके जैसा, आगे ले जाकर के हमने एक्स वाई जेड को जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिख लिया है। ऊपर वाली रो में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब वो इस टाइप का कुछ ऑपरेशन करते हैं कि टू आर वन, यानी आर वन की वैल्यू में हम कुछ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो वो यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, मीन्स लिखने में चेंज कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, वो सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्चुअलाइज्ड वे में इसको मन मन में करना है, और यानी आर वन की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो वैसे की वैसे ही रहने वाली है, ठीक है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू यहां से ली जाएंगी, बिकॉज दीज आर दी अपडेटेड वैल्यूज। अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये चेंज हो चुकी है इसमें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इनको कंसिडर करेंगे, यानी अब हम जो हमारे वाले आर वन आर टू या आर थ्री में जो भी ऑपरेशन लगने वाला है वो यहां से लगेगा, ना कि यहां से, ठीक है, क्योंकि अपडेटेड वैल्यूज हमारे पास ये आ गई है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है। आर टू का काम भी हमारा पूरा हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ इसको जीरो बनाना था, यहाँ पर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं करना था, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो ऐसे कैसे ही रहने वाली है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर थ्री पे, आर थ्री पे केवल हमें ये जीरो बनाना रह गया है, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन ना लगाएं कि ये जो जीरो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्टेन हो गया ये बदल करके कुछ और हो जाए, ठीक है। हमें वो मेंटेन करना है कि जो बदल गया, जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट आ गई है वो वैसे ही बनी रहे। तो अब आगे देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे इसमें बढ़ने के लिए। अब हम क्या करेंगे, आर वन की कोई हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन है थोड़ी, आपको याद होगा जब हम यहाँ पर आर टू और आर थ्री की वैल्यू निकाल रहे थे तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन थी कि हम सिर्फ आर वन की हेल्प लेंगे। यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन है, जब हम आर थ्री का कोई भी काम करेंगे तो हम आर टू की वैल्यू को ही लेंगे, ठीक है। अब आर टू में हमें यहाँ बेसिकली जीरो बनाना है, माइनस थ्री को हमें जीरो बनाना है, तो हम किस तरह से कर पाएंगे इसे मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री एंड टू का जो बेसिक कॉम्बिनेशन बन पाएगा वो छः के साथ बन पाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें टू की मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो छः आ जाएगा, इसमें अगर मैं थ्री की मल्टीप्लीकेशन कर दूँ तो छः आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा कुछ काम बन पाएगा, ठीक है।
तो अब मैं यहां पर कर देता हूं आर थ्री विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें टू की मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो बन जाएगा -6, ठीक है। यानी मैंने बोल दिया टू आर थ्री, ठीक है, टू आर थ्री, और उसमें -6 को मैं क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं थ्री की मल्टीप्लीकेशन करूंगा यानी थ्री आर टू करेंगे हम, तो ये भी -6 हो जाएगा। -6 -6 को अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है, -6 -6 को अगर हम प्लस करें, -6 -6 को हम -6 -6 को हम माइनस जब करेंगे तो वो एक तरह से माइनस का प्लस बन जाएगा। लाइकवाइज -6 -6, तो हम माइनस की वजह से ये बेसिकली 6 प्लस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 2R3 प्लस सॉरी -3R2, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर देखने वाले हैं, जीरो की जीरो के साथ कुछ भी ऑपरेशन होगा तो वो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। -3 बन गया हमारे पास -6, ये बन गया -6, तो यहां पर हमारे पास 0 आ गया। हमने यहां पर 2 की मल्टीप्लीकेशन की थी R3 में, तो ये हमारे पास 2 बना, 2 में से 0 माइनस हुआ है, तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बेसिकली हमारे पास 2 ही रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आ जाते हैं, -3 का हमने 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन किया, ये हमारे पास मिला -6, ठीक है, हम इसको रफ में भी कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर -4 है, -4 की हमने मल्टीप्लीकेशन की है 3 के साथ, तो वो हमारे पास बन गया है -12, और हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस जब करेंगे तो यह एक्चुअली बन जाएगा प्लस, तो -6 प्लस 12 विल बी इक्वल टू +6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर समझ गए होंगे आराम से, तो हमारे पास ये 6 की वैल्यू आ गई है। अब हम अपने क्वेश्चन के बिल्कुल अंत तक पहुंच चुके हैं। हम देखें तो हमारे पास बेसिकली 2 का जो कॉफिशियंट है वो Z को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला कोफिशियंट Y को रिप्रेजेंट करता है, ये XYZ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देख सकते हैं Z का वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लीकेशन कर दें इसके साथ और इनके साथ, तो हम लिख सकते हैं कि 2Z इक्वल टू 6, विच इज Z इक्वल टू 6/2, विच इज 3, ठीक है। इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 -2 y = -4, क्योंकि यहाँ पर z और x का कोफिशियंट हमारे पास वेरिएबल 0 है, कोई भी नहीं है, तो हमारे पास बचा ये माइनस से माइनस कट गया, देन हम कर सकते हैं कि y = 2, एंड देन इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर अगर हम रखें x + y + z = 6, विच इज इक्वल टू, y और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल चुकी है, तो मीन्स x + 2 + 3 = 6, ये हमारे पास 5 हो गया, जो इसका मतलब हम आराम से निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल करके आ गए हैं, x = 1, y = 2 and z = 3, ये हमारे पास आंसर आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको, बस थोड़ा सा आपने यहाँ की कैलकुलेशंस में ध्यान देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल और लेंगे अभी आगे। थैंक यू।